अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। जिला कचहरी पे जो है कि लगभग 100 के घेरे में छितमपुर गांव से लोग महिलाएं और पुरुषों ने आए थे। एसएपी से आपको जो है कि लिखित पत्र सौंपा अपनी न्याय को लेकर के। उन लोगों महिलाओं से बात करने पर ये पता चला है, इनका कहना है कि 21/11/2018 को जो घटना हुई थी गौडी गांव में, बच्ची के मारकर और मारने के बाद उसको जो है कि रेलवे क्रॉसिंग के पास उतारा गया था, उसी कांड में हमारे 3 बच्चे फंसे हुए हैं। पुलिस ने बिना जांच किए पड़ताल किए और जो है कि हमारे 3 बच्चों को लिया करके 4 दिन से चौबेपुर थाना जेल में रखी है। हमारी गुहार एसपी साहब से यही है कि वो सही से जांच करवाए, जो आरोपी है उनको जो है कि सजा दिला जाए, जो बेकसूर है उनको रिहा किया जाए। आज हम लोग जो अन्याय हुआ है किसानों के लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, तो चंदौली के पूर्व सांसद अरे रामकृष्ण यादव जी के नेतृत्व में गांव और क्षेत्र से और कई जनप्रतिनिधि, सदस्य, जिला पंचायत प्रधान, विदिशी, तमाम लोग, लगभग 500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस अन्याय के खिलाफ एसएसपी साहब से और डीएम साहब से भी मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं थे। उनके पिता ने उनका हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। यह प्रदेश अध्यक्ष के, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे के इशारे पर चौबेपुर थाने पर धरना प्रदर्शन कराया गया। क्या आपने देखा था फेंकते हुए कुछ ऐसी चीजें? क्या गांव में पाए हैं? गांव के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, क्षेत्र के लोग किसी ने देखा था कि जांच के कैसे पता चला? गांव के लोग कह रहे हैं पुलिस द्वारा उनके पिता को उठाया गया था। क्या पुलिस इसकी जांच नहीं की थी? पुलिस अंधेरे में रखी है। सच्चाई दे औरत देखले है, पानी बराबर लिखे औरत वह बताई तो वह हमारा 2 बजे 1 बजे या 4 बजे तक औरत जो बतौले तो पानी बराबर। क्या औरत बताई आपको? कुछ तो पता होगा, कुछ भी तो पता होगा। क्या औरत बताइए? औरत बतौले था कि हम खुद देखली पंडित जी के जात डाले थे, लड़की ले जात कर 3-4 जने टेकावत कर ले गए। अब फिर हम लाइट बदली तो लाइनी तर आवत रहना तो फिर हमके खटबड़ाहट भैल तो देखली तो वही लोग रहना जिनके बताई तरीके से हुआ है। सांसद जी गए हैं, मिले हैं, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि एक जांच टीम बनाई जाएगी और जांच में जो निर्दोष है उसको कम से कम 3-4 एसओ सीओ के अध्यक्षता में जांच कराएंगे। इसकी हत्या कैसे हुई है, क्यों हुई है?